हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल बगीचा द किचन गार्डन में आप सबका स्वागत है। आप सबके प्यार की वजह से मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके का प्यार आप सब मेरे चैनल को ज़रूर देने वाले हो। तो हर रोज़ तो मैंने आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाया है, पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा बालकनी गार्डन। क्योंकि हम शहर के एरिया में रहते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है ग्रो करने के लिए जैसे गांव के लोगों के पास होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे से ही जगह पे बहुत सारे जो फ्रूट्स हमें चाहिए, जो पौधे हमें चाहिए, हम उससे ग्रो कर लें। तो आप सबकी भी ये ख्वाहिश होगी कि आपके घर में भी बहुत सारे पौधे लगे हों और वैसे पौधे जो बहुत सारी फ्रूटिंग देते हों, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। सो ऐसे पौधे जो हैं आप नॉर्मली टेरेस के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते हो, वैसे ग्रो करना चाहे तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो, पर मेरी सलाह यही होगी कि आप टेरेस के ऊपर ऐसे हैवी पौधे ग्रो ना करें। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो छत होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती रहती है, क्योंकि छत के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं डालना चाहिए, ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। सो मेरे बालकनी में छोटा सा स्पेस है और मैंने कोशिश किया है कि उसी छोटे से स्पेस में मैं पौधे उगाऊं। सो आप सब लोग जो शहर में रहते हैं या फिर जो गाँव में भी रहते हैं, वो भी इस तरीके से जो पौधे हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये केले के पत्ते में थोड़े से फ्रूट्स जो है, मैंने केले और उसके जो फूल होती हैं वो निकाल के रखी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने बालकनी गार्डन में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। सो सबसे पहले तो ये एक मौसमी का पौधा है। बेसिकली ये मौसमी नहीं है जो हम नॉर्मली खाते हैं, नींबू का पौधा है जो कि मौसमी की तरह दिखता है। इसका जो टेक्स्चर और खुशबू है वो डेफिनेटली मौसमी की तरह लगता है, पर इसका जो खट्टापन है वो नींबू की तरह है। ये मौसमी और नींबू दोनों की मिक्स्ड वैरायटी है। इसकी जो आकार रहती है वो बहुत ही छोटी रहती है नींबू जैसे, पर इसका जो साइज़ होता है पौधे का वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। करीबन एक फीट के पौधे में ये अच्छी खासी फ्रूटिंग दे देता है और अंदर से आप इसे देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे बेबी मौसमी हो। और इसका जो टेक्स्चर है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसे आप जैसे आप बनाना चाहते हो चटनी, तो खट्टेपन के लिए नींबू की जगह आप इस मौसमी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहे तो आप इसका अचार बना के भी खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। या फिर आप चाहे तो सैलड में या कुछ भी चटपटा खाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये खट्टा होता है तो आप इसको फ्रूट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, ये पकने के बाद भी ऐसे ही खट्टे लगते हैं। तो चलिए मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ, मैं यूज़ करने वाली हूँ चटनी में। सो ये जो था ये मेरे गार्डन का पहला पौधा था और इसे लगाए हुए करीबन हो गए हैं 2 से 3 साल। और दूसरा जो पौधा है मेरे बालकनी गार्डन का वो है ये नींबू का पौधा। वैसे तो इसे लगाए हुए हो गए हैं करीबन 4 साल, पर मानिए दोस्तों इसने इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं दी है, पर कई बार तो मन करता है निकाल दो, पर इतनी टाइम से लगा के रखा है तो दिल भी नहीं करता है कि इसको निकाल दिया जाए। सो इसने लास्ट ईयर बस एक नींबू दिया था, वो भी ना इसमें फूल निकला ना कुछ निकला, बस एक नींबू आया वो भी अचानक से नज़र के सामने। हो सकता है कि इसके अंदर नींबू निकलते हों, पर इनके अंदर जब नींबू निकलते हैं तो वो इनके पत्तों के ही कलर के होते हैं, तो इतना पता नहीं लगता निकले हैं या नहीं निकले हैं। तीसरा मैंने ये लगाया था आम का पौधा जो ग्रो तो कर रहा था, पर धीरे धीरे ये सूख चुका है। सो सूखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी बार फिर से आम लगाया जाए। सो पिछले सीज़न में आम बहुत ही ज़्यादा मीठे आए थे, सो उनकी जो गुठलियाँ थी वो ऐसे ही हमने इसमें डाल दिया था मिट्टी के अंदर, तो मुझे लगा नहीं था कि ये ग्रो कर जाएगा, पर ये खुद ही इसमें अपने आप ही आम निकल आए हैं। और इसे मैंने डायरेक्टली ज़मीन के अंदर नहीं लगाया है, नीचे प्लास्टर हो रखा है। सो इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ ही रहने वाली हैं, और इसके अंदर मैंने क्या किया, प्लास्टर करवा के इसके अंदर मिट्टी भरा हुआ है। क्योंकि एरिया ज़्यादा ना होने की वजह से हम थोड़े से एरिया में कोशिश करते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ग्रो करना चाहे वो ग्रो कर सकते हैं। एक ये पौधा है जो मैंने इंडोर प्लांट सोच करके मैं लेकर के आई थी, और इसे मैंने कुछ टाइम तक के लिए इंडोर पर ही रखा था, पर ये ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ और इसका साइज़ छोटा ही रह गया था। बाद में जब इसका गमला टूट गया गलती से, तो इसे मैंने क्या किया, मैंने बालकनी में लगा दिया।
एंड इधर लगाने के बाद क्या हुआ, इसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया। नेक्स्ट ये मैंने लगा रखा है कड़ी पत्ता, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ साउथ इंडिया में भी, सो वहाँ पे इडली डोसा वड़ा हर चीज़ में खाने के लिए आपको कड़ी पत्ते की ज़रूरत होती है। सो ये चीज़ कड़ी पत्ता मेरे घर में हर जगह यूज़ होता है मोस्टली, और मैं अब रहती हूँ नॉर्थ इंडिया में, सो ये वाला जो कड़ी पत्ता है मुझे नॉर्मली कहीं मिलता नहीं है मार्केट में या मंडी में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने घर पे लगा लिया जाए और इसको ऐसे ही हम ट्राई कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत हुई तो एक दो पत्ता निकाल के यूज़ कर लिया, इसलिए इसकी डंडी जो है आपको खाली दिखने वाली है। तो मैंने आपको बताया था कि आम की बहुत सारी जो गुठलियाँ थी वो मैंने थ्रो कर दी थी इस मिट्टी के अंदर, सो जहाँ जहाँ भी गुठलियाँ फेंकी हुई थी वहाँ वहाँ पे आम के नए नए पौधे निकल आए हैं। और आप देख सकते हो ये करीबन 7 से 8 पौधे जो हैं आम के वो बड़े हो चुके हैं, पर मेरे पास जो बालकनी है उसमें इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, सो मैं इस या तो इस आम के पौधे को किसी को दे दूँगी या फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसे अलग कर दिया जाए, क्योंकि इतना स्पेस ना होने की वजह से ये बाकी पौधों को भी ख़राब कर देंगे। सो जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं रखूँगी, बाकी मैं या तो किसी को दे दूँगी, पड़ोसी को दे दूँगी या दोस्तों को दे दूँगी। नेक्स्ट ये मनी प्लांट का छोटा सा मैंने पौधा लगाया था यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया है। पहले मुझे लगता था, जब मैं देखती थी मनी प्लांट के बड़े बड़े पत्ते, तो मुझे लगता था ये कोई मनी प्लांट का वैरायटी होता होगा डिफरेंट, जो कि बड़े बड़े पत्ते देता होगा। पर जब मैंने इसे ओपन एरिया में लगाया तब मुझे पता लगा कि नहीं, छोटा सा जो मनी प्लांट हम लगाते हैं वही जब एज हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए, तब वो ही मनी प्लांट बड़े बड़े पत्ते देने लगते हैं। सो ये इसको लगाए हुए भी करीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। नीचे की साइड पे छोटे छोटे पत्ते आते हैं, पर ऊपर वाली साइड पे बहुत ही बड़े बड़े पत्ते आते हैं। सो अगर आप इस तरीके से मनी प्लांट को सिर्फ पॉट के अंदर लगाएंगे घर के अंदर, तो उसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, पर अगर आप प्रॉपर स्पेस देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा होने वाला है ये। नेक्स्ट इसमें मैंने अरहल का पौधा भी लगा रखा है, जो कि इसके बीच में है, छुप चुका है, जो दिख नहीं रहा है। सो ये जो है अरहल का पौधा, ये तो एक तो पूजा में इसकी फूल यूज़ होती है, दूसरा इसको आप पीस करके अगर बालों में यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके बालों के लिए। तो ये भी मैंने यहाँ लगा रखा है, मोस्टली वैसी वैसी चीज़ें मैंने लगाई हैं अपने गार्डन में जो कि यूज़फुल हो। फिर एक ये वाला जो है अशोका का पौधा, अब आप सोचोगे अशोका का पौधे का क्या यूज़ है, सो एक्चुअली ये हुआ था कि ये मेरे जो चाचा जब गाँव से आए थे तो वो एक ये पौधा लेकर के आए थे छोटा सा, करीबन ये भी इसके भी हो गए होंगे 6 से 7 साल पहले। तो वो एक पौधा लेकर के आया, उन्होंने कहा कि आम का पौधा है, बहुत ही मीठे आम होते हैं इसके, तो आप इसे गार्डन में लगा लो। तो एक साल के बाद जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तब हमें रियलाइज़ हुआ कि आम का पौधा नहीं है, ये तो अशोका का पौधा है। सो जब एक बार लगा चुके थे तो फिर उसको हमने लगे रहने दिया यहाँ पे। सो एक बार लगा चुके थे तो हमने इसको यहीं पे लगे रहने दिया। नेक्स्ट ये वाला जो पौधा था इसे भी हमने इंडोर ही लगा के रखा था, क्योंकि जब हम लेके आए थे नर्सरी से तब हमें कहा गया था कि ये इंडोर ही ग्रो करते हैं, एक्चुअल में ये इंडोर प्लांट ही है, पर इंडोर में रहते रहते ये कुछ टाइम के बाद सूख चुके थे क्योंकि गमले का साइज़ काफ़ी छोटा था। तो इसे भी मैंने निकाल करके बाहर बालकनी में रख दिया, एंड बालकनी में लगाने के बाद जब इसे स्पेस मिला तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गए। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साउथ साइड में भी रह चुकी हूँ बैंगलोर में, और वहाँ पे बहुत सारे केले के पौधे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको केले के पौधे मिल जाएंगे। पर अब मैं क्योंकि नॉर्थ शिफ्ट हो गई हूँ तो नॉर्थ में केले के पौधे बहुत ही कम दिखते हैं, पर मेरा बहुत टाइम से एक शौक था कि मैं केले का पौधा लगाऊँ और उसको ग्रो करूँ। सो मैंने ये पौधा लगाया, मेरा बेसिकली मकसद ये था केले का पौधा लगाने का कि इसके जो केले के पत्ते हैं उसके ऊपर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो मैंने सोचा एक लगा लेती हूँ, कभी कभी हुआ मन किया तो उसके पत्ते को यूज़ करके हम उस पर खाना खा सकते हैं या फिर मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। सो एक मैंने पौधा लगा लिया था और इसे लगाए हुए हो गया करीबन 1.5 से 2 साल, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका है, फुल मैच्योर हो चुका है। जब एक केले का पौधा मैच्योर हो जाता है तो वो अपने साथ में बेबी प्लांट भी देने लगता है,
और जब एक केले का पौधा बेबी प्लांट देता है तो आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 ही केले के पौधे जो हैं वो वहाँ पे छोड़ने हैं, उसके अलावा बाकी के जितने भी पौधे हों उनको अलग कर दें। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फुल ग्रो हो चुके हैं, इसके अंदर केले लग चुके हैं, सो मैंने क्या किया, केले लग चुके थे तो माना जाता है कि केले जब लगने लगे तो उसे ढक देना चाहिए, वरना या तो किसी की नज़र लग जाती है ऐसा कहा जाता है, या फिर उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो कि मेन रीज़न होता है। सो कीड़े से बचने के लिए मैंने इसे कपड़े से लपेट दिया था, पर मेरे पास कोई कपड़ा था नहीं तो एक मम्मी की मैक्सी थी पुरानी, तो वो मैंने इसके ऊपर लपेट दिया। और ये मैक्सी सच में दिखने में ऐसे लग रहा है कि कोई डेड बॉडी इसके ऊपर लटकी हुई हो। शाम के टाइम जब मैं घर आ रही थी तो मैंने जब इस मैक्सी को देखा तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इसके ऊपर पता नहीं कौन लटका हुआ है। फिर जब वापस से देखा दूसरी बार ध्यान से तो पता लगा कि ये तो केले को लपेटा हुआ है। और ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंस था। और आप देख सकते हो मैं आपको केले का पौधा जो है वो खोल के दिखा रही हूँ। इसके नीचे ना इस तरीके का एक फूल होता है, ये फूल जैसे जैसे केला बढ़ता जाता है ये फूल और नीचे की तरफ फैलता जाता है। और साउथ साइड में आपको ये जो फूल है ये मार्केट में मिलेगा। आप इसके ना सब्जियां भी बनाते हैं वहाँ वाले, सो स्पेशली ये जो फूल है ये वहाँ पे मिलता है अलग से मंडी में भी, पर आपको नॉर्थ साइड में ये फूल जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नॉर्थ इंडियंस को आई थिंक पता भी नहीं होगा कि इस फूल की सब्ज़ियाँ भी बनती हैं, पर साउथ में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और इस तरीके के जो छोटे छोटे ये जो फूल निकल रहे हैं इन्हें भी हम सब्ज़ियों में यूज़ करते हैं या इनके सैलड वगैरह बना लेते हैं। सो इसकी जो रेसिपी होगी मैं जब इसको निकालूंगी तो मैं अपने दूसरे चैनल पर ज़रूर डालने वाली हूँ, जो कि क्रेविंग बस्टर के नाम से है। आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाके वो चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी खाने के रिगार्डिंग, और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिल जाएंगी। सो आप वो चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे जा कर के। और इस केले का बहुत और भी ज़्यादा यूज़ है, कई लोग तो केले के बीच के जो पाइप होती है उसको भी कट करके खाते हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ केला जो है वो कैसे निकल कर के आया है। तो चलिए इसे मैं खोल लेती हूँ अच्छे से, और खोलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से कैसा केला जो है वो प्रॉपर निकलने वाला है। इसे मैंने थोड़ा सा टाइट बांध दिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही केला ग्रो किया है, पर इसे इतना टाइट नहीं बांधना है। आप चाहे तो बस एक हल्के से कपड़े से इसे छुपा सकते हैं, मेनली यही रीज़न होता है कि कोई कीड़े वगैरह इसके ऊपर ना लगे, बिकॉज चींटियाँ हो गई या वो जो छोटे छोटे फफूंदियाँ घूमते हैं वो जो केला होता है को ख़राब कर देते हैं, तो इसी रीज़न की वजह से कपड़ा लगाया जाता है। सो आप हल्का सा कपड़ा भी इसके ऊपर रख भी देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। सो देखिए जो केला है ये कितना ज़्यादा केला निकल कर के आया है केले के पौधे के अंदर, और इसमें करीबन 100 से ज़्यादा केले होंगे। सो आप जान सकते हैं कि एक केले के पौधे में से करीबन 100 से ज़्यादा केले जो हैं वो निकल जाते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार फ्रूटिंग देता है केले का पौधा, तो ऐसा नहीं है, एक बार ही एक केले का पौधा एक बार ही फ्रूटिंग देता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। सो इनका यूज़ जो होता है ख़राब होने के बाद, ये हम तो इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसे सब निकाल ही सकते हैं, पर नॉर्मली इनका जो इसके जो डंडियाँ होती हैं वो उसको ग्राइंड करके फिशेस के फूड में भी यूज़ किया जाता है। और केले पक जाए तो केले को नॉर्मली हम खा भी लेते हैं फ्रूट की तरह, और अगर केले कच्चे हों तो केले की चिप्स भी बनते हैं, उनकी सब्जियां भी बनती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में। सो इसको अभी थोड़ा और टाइम है पकने के लिए, और इसके साइज़ जो हैं छोटे हैं अभी थोड़े केले के, पर मैं इसको कुछ दिन तक और ऐसे ही रख दूँगी ताकि और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएँ। और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें मैंने ज़्यादा खाद पानी का यूज़ नहीं किया, ये नेचुरली इसी तरीके से ग्रो हुआ है। मैं ज़्यादा पौधों में खाद वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो नेचुरली ग्रो करें। सो ये था आज का मेरा नीचे बालकनी का वीडियो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर के आती रहूँगी, और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।